हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉइंटा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं बीएड के इंग्लिश के बुक का एक टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड। अगर किसी भी लैंग्वेज को टीचर को अगर बच्चे को सिखाना है तो वो बहुत सारे क्या है मेथड का यूज करती है, जिसमें से एक क्या है डायरेक्ट मेथड। तो इससे पहले हम नॉर्मली बता देते हैं डायरेक्ट मेथड क्या होता है। तो मान लीजिए जैसे एक बच्चा है वो अपने परिवार में रहता है, उसके परिवार में जो भी लैंग्वेज बोली जाती है तो वो जो बच्चा है उस लैंग्वेज को लिसन करता है, सुनता है, धीरे धीरे क्या है वो भी उस लैंग्वेज को सुनकर समझकर बोलना शुरू कर देता है। तो डायरेक्ट मेथड है जो वो उसी से रिलेट करता है। बट इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है वो अपनी मदर टंग को ना सीखकर सेकेंड लैंग्वेज को सीखता है, सेकेंड लैंग्वेज या फिर फॉरेन लैंग्वेज जिसमें इंग्लिश आती है। तो अब इसमें मीनिंग देखते हैं। चाइल्ड लर्न नेचुरली विदाउट एनी प्रैक्टिस और ट्रांसलेशन, इट इज कॉल्ड नेचुरल प्रोसेस। जब बच्चा नेचुरली सीख लेता है बिना प्रैक्टिस बिना ट्रांसलेशन के तो उसे क्या कहते हैं नेचुरल प्रोसेस, कि बच्चे ने नेचुरली नॉर्मली से सीख लिया। नेचुरल प्रोसेस बिकम फेमस एज डायरेक्ट मेथड, और यही जो नेचुरल प्रोसेस है बाद में किसके रूप में फेमस हो गया डायरेक्ट मेथड के रूप में। बिकॉज क्योंकि इन दिस प्रोसेस इस प्रोसेस में चाइल्ड लर्न फॉरेन लैंग्वेज या फिर सेकेंड लैंग्वेज डायरेक्टली थ्रू डिस्कशन कॉन्वर्सेशन विदाउट ट्रांसलेशन और यूज ऑफ द चाइल्ड नेटिव लैंग्वेज। क्योंकि इसमें जो चाइल्ड है वो फॉरेन लैंग्वेज या फिर सेकेंड लैंग्वेज को सीखता है, यानी कि उसमें क्या होता है कि सेकेंड लैंग्वेज को वो कैसे सीखता है डिस्कशन करके या फिर यानी कि कॉन्वर्सेशन करके बिना ट्रांसलेशन के। यानी कि हम क्या करते हैं कि जैसे अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तो हम इंग्लिश में ही बात करेंगे, इंग्लिश में ही क्या है कोई भी चीज़ें तो हम उसे क्या है इंग्लिश में ही सुनेंगे बिना उसे ट्रांसलेट किए हिंदी में या फिर कोई भी चाइल्ड की नेटिव लैंग्वेज में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है अगर आप इसे इंग्लिश में ही पढ़ रहे हो तो वो क्या हो गया डायरेक्ट मेथड। लेकिन जब आपको इंग्लिश में जैसे आपने एक लाइन पढ़ी उसके बाद मैं आपको उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रही हूँ तो वो हो जाएगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अगर मैं आपको इंग्लिश में ही जैसे ये लाइन है और इसको इंग्लिश में ही एक्सप्लेन कर रही हूँ तो वो क्या हो जाएगा डायरेक्ट मेथड। द मेन फोकस इन दिस मेथड टू लर्न द लैंग्वेज डायरेक्टली एंड यूज मेनली द टारगेट लैंग्वेज इन द क्लासरूम। इसमें मेन फोकस किसका होता है कि इसमें जो लैंग्वेज है वो डायरेक्टली सीखी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है टारगेट लैंग्वेज का यूज़ किया जाए क्लासरूम में। यानी कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो क्लासरूम में क्या है इंग्लिश में ही आप बात करोगे, इंग्लिश में ही हर एक एक्टिविटी की जाएगी। ठीक है, द मैथड इफेक्टली वर्क ओनली वेन चाइल्ड यूज द टारगेट लैंग्वेज फॉर कॉन्वर्सेशन एंड एक्टिव इन द क्लासरूम। और ये मेथड है जो इफेक्टली कब काम करेगा, जब चाइल्ड खुद टारगेट लैंग्वेज का यूज़ करेगा कॉन्वर्सेशन करने के लिए, बात करने के लिए। जैसे कि अगर चाइल्ड है अगर क्लास में बैठा है और वो टीचर से पूछा कि मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, या फिर जो टीचर है वो कह दे येस, या फिर टीचर अगर कोई भी ऑर्डर दे रही है तो वो भी अगर वो कह रही है कि जैसे कह दे कि अपने तो हिंदी में क्या होता है कि हम कह देते हैं कि अपनी कॉपियाँ बैग से बाहर निकालो, है ना। तो अगर उसे जो टीचर है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलती है, यानी कि हर एक वहाँ पे जो भी कॉन्वर्सेशन हो रही है अगर वो इंग्लिश में हो रही है, ठीक है, तो क्या होता है कि इससे जो बच्चा है उस लैंग्वेज को जल्दी सीखता है। इसके साथ ही चाइल्ड को भी एक्टिव होना चाहिए क्लासरूम में उस लैंग्वेज के लिए, यानी कि चाइल्ड भी एक्टिवली उस लैंग्वेज का यूज़ करे। सो दैट द टीचर शुड एनकरेज द स्टूडेंट टू यूज़ द टारगेट लैंग्वेज मोर। तो जो टीचर है उसको क्या है बच्चे को टारगेट लैंग्वेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के लिए एनकरेज करना चाहिए। इसके बाद है करैक्टरिस्टिक कि जो डायरेक्ट मेथड है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली चीज़ है यूनिट। तो जो डायरेक्ट मेथड है उसकी यूनिट क्या है सेंटेंस, यानी कि इसमें क्या होता है कि एक सेंटेंस बोल दिया जाता है एंड उसके बाद क्या है उस सेंटेंस को एक्सप्लेन किया जाता है, या तो कोई थिंग्स को शो करके या फिर कोई भी जैसे कि एक्टिविटीज करके। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि ओपन द डोर, तो जो टीचर यानी कि टीचर कहती है कि ओपन द डोर, अब इसको अगर टीचर को एक्सप्लेन करना है तो वो क्या है कि वो डोर को ओपन करते हुए स्टूडेंट को सिखाएगी द मीन्स इज ओपन द डोर, यानी कि गेट खोल दिया। ठीक है, तो वो हिंदी में नहीं बोलेगी गेट खोल दिया, वो क्या है थिंग्स या फिर एक्शन करके बच्चों को सिखाती है। और इसमें क्या है ट्रांसलेट नहीं किया जाता है, डायरेक्ट उसी लैंग्वेज में सिखाया जाता है। प्रिंसिपल क्या है लर्निंग बाय डूइंग। तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये है कि खुद बोलकर आप लैंग्वेज को सीखो। ठीक है, उसके बाद आगे है इंस्ट्रक्शन, यानी कि इस मेथड में जो इंस्ट्रक्शन है वो भी किस लैंग्वेज में दी जाती है टारगेट लैंग्वेज में। मेन फोकस किस पर होता है लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर। यूज किसका ज़्यादा किया जाता है टारगेट लैंग्वेज का। रूल कौन सा अप्लाई किया जाता है मेथड के लिए, इंडक्टिव
और इसके बाद एक्सप्लेनेशन कैसे की जाती है, या टारगेट लैंग्वेज है जो उसी में क्या है एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद है कि इसमें क्या है, नॉट इंटरफेयर ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज या फिर मदर टंग, इसमें मदर टंग का यूज नहीं किया जाता। मेथड कैसा है, ये फुल ऑफ एक्टिवनेस, यानी कि इसमें दोनों को, टीचर को भी और स्टूडेंट दोनों को ही क्या है एक्टिव होना जरूरी है। इसमें डायरेक्ट बॉन्ड होता है वर्ड्स और एक्सप्रेशन में, यानी कि जो भी वर्ड्स बोले जा रहे हैं और जो भी हमारे थॉट्स हैं उसमें क्या है एक डायरेक्ट बॉन्ड होता है। और ऑडियो विजिबल एड है उनका भी ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है। इसके बाद आगे है एडवांटेज, कि क्या क्या एडवांटेज है। तो पहला है नेचुरल मेथड, यानी कि ये जो डायरेक्ट मेथड है वो क्या है एक नेचुरल मेथड है। जैसे कि हम फर्स्ट लैंग्वेज को सीखते हैं वैसे ही हम क्या है सेकंड लैंग्वेज को भी सीख जाते हैं। कमांड ओवर द TL मीन्स टारगेट लैंग्वेज, यानी कि क्या है इसमें क्या है कि हमारी जो कमांड है वो टारगेट लैंग्वेज पे बन जाती है और हम बिना फियर के उसे सीख लेते हैं। प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट, इसके साथ ही हमारे जो बोलने का प्रोनाउंसिएशन है वो भी क्या है परफेक्ट हो जाता है। चाइल्ड थिंक इन टू द टारगेट लैंग्वेज एंड एक्सप्रेस हिज थॉट इन टू द टारगेट लैंग्वेज, जो बच्चा है वो टारगेट लैंग्वेज में ही सोचता है, उसके बाद उसे अपने जो भी उसके थॉट्स होते हैं वो भी उसे टारगेट लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर देता है। करेक्शन ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन, इसके साथ ही इस मेथड के द्वारा जो बच्चे की ग्रामर है उसके जो बोलने का प्रोनाउंसिएशन है वो भी परफेक्ट हो जाता है। स्पीकिंग स्किल डेवलप, इसके साथ ही बच्चे की जो स्पीकिंग स्किल है वो भी डेवलप हो जाती है। इंक्रीजिंग वोकैबुलरीज, इसके साथ ही बच्चे को बहुत सारे जो वोकैबुलरीज हैं वो भी आने लग जाते हैं। इट ड्रिल फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, इसके साथ ही इसमें प्रैक्टिस होती है फ्लुएंसी यानी कि प्रवाह के साथ बोलना, यानी कि इसमें अटकता नहीं है, एक ही नॉर्मल वे में बोलता है। जैसे कि हम हिंदी नॉर्मल वे में बोल देते हैं वैसे ही क्या होता है डायरेक्ट मेथड के थ्रू जो बच्चा है वो सेकेंड लैंग्वेज को भी नॉर्मली बोलना सीख जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसके साथ ही बच्चे में क्या है सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, यानी कि अगर बच्चा है जो उसी लैंग्वेज को बार बार बोलेगा उसी में कॉन्वर्सेशन करेगा तो धीरे धीरे क्या उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा, वो हिचकिचाएगा नहीं उस लैंग्वेज को बोलने के लिए। इसके बाद आगे आता है डिसएडवांटेज, कि क्या, पहले तो हम देखे एडवांटेज कौन कौन से लाभ होते हैं, अब डिसएडवांटेज की क्या क्या नुकसान हो सकता है, तो यानी कि क्या क्या हमें लॉस होता है या फिर क्या चीज हमें लाभ नहीं मिलता। तो इसके लिए क्या है परफेक्ट टीचर, सबसे पहले तो इस मेथड के लिए जो टीचर है वो परफेक्ट होना चाहिए, उसकी जो इंग्लिश है उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो परफेक्ट होनी चाहिए। नॉट यूजफुल फॉर ओवर क्राउड क्लासेस, इसके साथ ही ये जो मेथड है वो ओवर क्राउडेड जहाँ पर बहुत ज्यादा एक क्लास में बच्चे होते हैं उन क्लासेस के लिए ये यूजफुल नहीं है, क्योंकि इस मेथड में क्या है कि ज्यादा टाइम देना पड़ता है, ज्यादा बच्चों पर फोकस करना पड़ता है। इसके बाद आगे है कि वर्ड एक्सप्लेन बाय एक्शन और शोइंग थिंग्स, इसमें जो भी वर्ड्स हैं उसे एक्सप्लेन किया जाएगा या तो एक्शन के थ्रू या फिर चीजें दिखाकर। बट एवरी वर्ड्स कैन नॉट एक्सप्लेन बाय दिस, यानी कि लेकिन जो हर एक वर्ड है उसको एक्शन के थ्रू या फिर चीजें दिखाकर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ऑडियो विजिबल एड्स आर यूज, जो कि एक्सपेंसिव होती हैं, ठीक है, तो हर एक स्कूल इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। नॉट हेल्पफुल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, इसमें जो मेन फोकस है वो लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल पर दिया जाता है, ये रीडिंग और राइटिंग स्किल के लिए परफेक्ट नहीं है। टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि अगर हम बच्चे को जैसे कोई भी लैंग्वेज सिखाते हैं और अगर हम उसे ट्रांसलेट करके सिखाएं, ठीक है, उसके मदर टंग में, तो बच्चा इजीली सीख लेता है, लेकिन अगर हम उसे बिना मदर टंग में ट्रांसलेट किए डायरेक्ट उसी लैंग्वेज में सिखाएंगे तो बच्चा है जो उसे सीखने में टाइम लगता है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट लर्न इजीली बट हार्ड फॉर एवरेज स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो इस मेथड के थ्रू सेकंड लैंग्वेज सीख लेते हैं, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके बाद है प्रॉब्लम फॉर इंडियन स्कूल, कि क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं इंडियन स्कूल के लिए। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है कि ट्रेंड टीचर्स आर नॉट अवेलेबल, कि जो इंग्लिश यानी कि ऐसे जो टीचर हैं जिन्हें इंग्लिश परफेक्टली आती है वो बहुत ज़्यादा इंडिया में कम है, ठीक है, तो हर एक स्कूल है जो उन टीचरों को अवेलेबल नहीं करवा सकता। इसके साथ है ऑडियो विजिबल एड्स आर यूज, जो कि एक्सपेंसिव होती है, इंडियन स्कूल्स हैं जो उन मतलब कुछ सभी स्कूल इतने नहीं होते हैं कि वो ऑडियो विजिबल एड्स है जो उसे अफोर्ड कर सके, क्योंकि ये जो ऑडियो विजिबल एड्स होती हैं वो क्या होती हैं एक्सपेंसिव होती हैं। चाइल्ड थिंक इन मदर टंग फर्स्ट एंड देन एक्सप्लेन इन टारगेट लैंग्वेज, यानी कि ये यहाँ इंडिया में पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया में जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी उन पर यानी कि प्रभाव होता है मदर टंग का, तो बच्चे जो पहले मदर टंग में सोचते हैं उसके बाद वो उसे
ट्रांसलेट करके एक्सप्लेन करेंगे टारगेट लैंग्वेज में. इग्नोर द यूज ऑफ मदर टंग, पीपल इमोशनली अटैच विद एम्प्टी मीन्स मदर टंग, यानी कि जो यहाँ के लोग हैं वो अपनी मदर टंग से बहुत ज़्यादा अटैच हैं और वो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि मदर टंग को ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, टारगेट लैंग्वेज पर फोकस किया जाता है, जिसके कारण जो लोग हैं वो इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं. तो इस तरीके से जो डायरेक्ट मेथड है आपका कंप्लीट होता है. आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू.